अभी आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद हौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हबीबनगर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक मनोज सिंह और उनकी बीवी एक मकान में रहते थे और ये जब सो रहे थे तब राजकुमार यादव 26 साल झारखंड का साकिन और जू सेंटर में काम करता है, वो इनके मकान में आकर एक मोबाइल फोन, 25,000 रुपए नकद रकम के अलावा दीगर चीजों के सरखा किया। जब पुलिस में ये शिकायत की गई तो पी मधुकर स्वामी की सदारत में एक क्राइम टीम को इस काम पे लगाया, जिसके बाद राजू कुमार यादव गिरफ्तार हो गया। उसके कब्जे से फोन के अलावा दीगर चीजें बरामद हुई जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है और ये पुराने केसों में मुलविस है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पी मधुकर स्वामी इंस्पेक्टर ऑफ हबीबनगर DSI मुत्यम राजू के अलावा उनकी टीम इस काम को अंजाम दी। ये सारे तफसीलात ACP गोशा महल राम गोपाल राव ने बताई। जियाउद्दीन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इनका मनोज सिंह एक अटाला मास्क के पास इनका घर है, वो घर के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ सोने टाइम पर एक राजकुमार यादव बोलकर ये झारखंड आदमी है, इन्हें घर के अंदर घुस के सेलफोन एक अबाउट 20,000 रुपीस इनका पैकेट में था वो चोरी किया था। फिर उसका दौरान उसका सेलफोन भी चोरी हुआ। वो उसका सेलफोन का मुताबिक, ट्रैपिंग का मुताबिक हमारा क्राइम टीम हबीबनगर इंस्पेक्टर साहब उनका टीम का साथ एफर्ट करके हुए राजेंद्र सिंह को आज गिरफ्तार करके उनका सेलफोन सीज किया था और कीजुड़ और उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, इनके कोई पुराने केसेस वगैरह है? इन्हें पुराना केसेस है, पहले भी हमारे पास एक चोरी केस किया था और दूसरा पुलिस स्टेशन में एक दो है, वो पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं हम, इसका बायोडाटा पूरा निकल रहा है। जो प्रॉपर्टी आप लोग सीज करे साहब, उसका कितना वैल्यू है उसका? ये 20,000 वर्थ ऑफ सेलफोन है और कैश जो को चोरी किया है वो एक्सपेंडिशन किया है। अभी रिमाइंड कर दे रहा है? रिमाइंड कर रहे हैं और इनका कुछ केसेस के अंदर भी है, वो पुराना केस पूरा कॉपी निकल रहा है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।